तो रिसेंटली वॉरजोन मोबाइल रिलीज हुआ है और थैंक यू एक्टिविजन कि तुमने नई ट्रिपल ए स्टूडियोज की परंपराओं को बिल्कुल भी टूटने नहीं दिया। गेम के रिलीज होने से पहले तक मुझे लग रहा था कि कहीं तुम इन परंपराओं को तोड़ ना दो, लेकिन मुझे तुम पर यकीन था कि तुम इन परंपराओं का सम्मान करोगे और सिर्फ तुमने सम्मान ही नहीं करा बल्कि अपना योगदान भी दिया। तो सारे ट्रिपल ए स्टूडियोज की तरफ से मैं तुम्हें थैंक यू बोलना चाहूंगा, तुमने बहुत अच्छे से अपने फैंस को डिसअपॉइंट किया और तुमने अपने गेम की हाइप पर खुद ही मूत दिया है, तो कांग्रेचुलेशंस। तो हेलो भाइयों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में अपन बात करेंगे कॉल ऑफ ड्यूटी वॉरजोन मोबाइल के बारे में। रिसेंटली वॉरजोन मोबाइल रिलीज हुआ है और क्या ही रिलीज हुआ है हम सभी जानते हैं। एक्टिविजन ने उसी डाल को काट दिया जिस पर वो बैठे हुए थे। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, देखो जब एक्टिविजन ने वॉरजोन मोबाइल अनाउंस किया था इस गेम की एक अलग ही हाइप बन गई थी, लेकिन जब इस गेम का बेटा वर्जन आया और लोगों को पता चला कि ये गेम सिर्फ हाई एंड डिवाइस को टारगेट कर रहा है, तो ये पता चलने के बाद लोगों का इंटरेस्ट इस गेम से कम होने लगा और इस गेम की हाइप भी मरने लगी। इस चीज को होता देख एक्टिविजन ने एक स्टेटमेंट दी जिसमें उन्होंने कहा कि मित्रों हम इस गेम के रिलीज होने तक इस गेम को इतना ऑप्टिमाइज कर देंगे कि ये गेम मिड और लो एंड डिवाइसेस पर भी आराम से चलने लगेगा। जिन डिवाइसेस पर ये नॉट सपोर्टेड दिखा रहा है वो लोग भी इस गेम को डाउनलोड कर पाएंगे। इस स्टेटमेंट के बाद लोगों ने एक बार फिर से एक्टिविजन के गुणगान गाना शुरू कर दिए और इस गेम की हाइप जो कि कम होती जा रही थी वो फिर से अपने पैरों पर खड़ी हो गई। वैसे कोई कुछ भी बोले इस गेम को लेकर, लेकिन ये वो गेम है जिसको खेलने के बाद मेरे दिल में फ्री फायर के लिए इज्जत जाग गई थी, फिर वो बहुत जल्दी मर गई क्योंकि मैंने ये देख लिया। आजकल हर बड़ा और पॉपुलर स्टूडियो यही कर रहा है, एक अनफिनिश्ड गेम रिलीज कर देंगे जिसमें दुनिया भर के बग्स होंगे और फिर बाद में उसे अपडेट के साथ सही करते रहेंगे, आ जाएंगे और बोलेंगे सॉरी भाइयों हमें पता है कि आपको दिक्कतें हो रही है पर हम इसे जल्दी फिक्स कर देंगे। भाई पहले से फिक्स कर अपनी गेम को रिलीज करो ना। और मुझे तो अपने यहाँ के यूट्यूबर्स की समझ नहीं आती, ये एक्टिविजन को डिफेंस करने के लिए इतनी लेम एक्सक्यूजेस दे रहे हैं ना भाई। मैंने कई सारे यूट्यूबर्स देखे हैं जो ये कह रहे हैं कि वॉरजोन एक बहुत बड़ी पीसी की गेम है जिसका मोबाइल पर आना ही बहुत बड़ी बात है, तो हमें एक्टिविजन को थोड़ा टाइम देना चाहिए ताकि वो अपनी गेम को फिक्स कर दे। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये लोग एक्टिविजन की इतनी चाट क्यों रहे हैं जबकि वो एक गेम बनाने वाली कंपनी है, कोई देश चलाने वाली पार्टी नहीं जिसकी चाट कर इन्हें कोई अवार्ड मिल जाए। सॉरी, देखो फ्लो में कहीं भी चले जाता हूँ, इस बात को सीरियस लेकर मुझे कैंसिल मत कर देना, ना ही मेरे घर बुलडोजर भेजना। मेरे ज्ञानियों तुमने एपेक्स लेजेंड मोबाइल का नाम सुना है, वो भी एक पीसी की गेम थी जिसे मोबाइल के लिए पोर्ट किया गया, वो भी 7-8 GB की गेम थी लेकिन वो कितनी स्मूथ चल रही थी। मेरा खुद का एक्सपीरियंस उस गेम के साथ बहुत अच्छा रहा है, मैंने उसको लेकर एक वीडियो भी बनाई थी जो कि चैनल पर है, अभी अनलिस्ट पड़ी हुई है, अगर तुम चाहोगे तो मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स पर मिल जाएगी। बाकी जरा तुम लोग भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करो तो नीचे कमेंट सेक्शन में, अगर तुमने एपेक्स लेजेंड मोबाइल खेली थी तो तुम्हें कैसी लगी, अच्छी या बेकार। देखो अगर इन दोनों गेम को कंपेयर ना भी करें ना तब भी एक्टिविजन की बात करें तो एक्टिविजन का पूरा नाम कॉल ऑफ ड्यूटी की वजह से ही हुआ है और उनके पास बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है इस तरह की गेम बनाने का। और इस तरह के स्टूडियोज जब इस तरह की हरकत करें तो उन्हें क्रिटिसाइज करना चाहिए ना कि डिफेंड, क्योंकि जब हम इन्हें हर चीज में डिफेंड करने लग जाते हैं तभी तो ये ऐसे टाइटल्स हमें दे देते हैं जैसे कि मॉडर्न वॉरफेयर 3। देखो इन स्टूडियोज और डेवलपर को अप्रिशिएट करना एक अच्छी बात होती है, लेकिन हर बार नहीं, कभी जरूरत पड़े तो इनके फीडबैक पर गालियां भी लिख देनी चाहिए। देखो गालियों से मेरा मतलब है कि गेम अगर खराब है तो उसे वैसा ही बताओ जैसा वो है, ऐसा ना हो कल को कि तुम जाकर सच में उनके फीडबैक में MCBC लिख कर आ रहे हो और बोलो कि हमें तो उस यूट्यूबर ने बताया था। पर तुम भूल गए हो तो मैं तुम्हें याद दिला दूं कि COD मोबाइल के साथ भी इन्होंने यही काम किया था, वो गेम भी शुरू में बिल्कुल ऑप्टिमाइज नहीं था, दुनिया भर के बग्स थे उसके अंदर, वो बिल्कुल प्लेबल गेम नहीं था। ये पहली बार नहीं है जो ऐसा हो रहा है, पिछले 4-5 साल से हर बड़ा स्टूडियो यही हरकत कर रहा है। जैसे एक्टिविजन ने बोला तो है कई सारे अपडेट लाने वाला है वो गेम में, लेकिन जो दो बड़े अपडेट है मैं चाहता हूँ वो जल्दी आ जाओ ताकि गेम प्लेबल तो हो एटलीस्ट। S23 Ultra है, मैंने उसके फोन में इस गेम को ट्राई किया और भाई मेरी जल गई लिटरली उसके फोन में इस गेम को चलता देखकर। उसके मोबाइल में हाई एंड सेटिंग पर भी ये गेम इतना स्मूथली चल रहा है ना भाई, मैं तो वो बता नहीं सकता। उसके फोन में कोई दिक्कत देखने को नहीं मिली इस गेम में मेरे को, ना गेम प्ले में कोई दिक्कत देखने को मिली और ना ही ग्राफिक्स रेंडर होने में कोई भी दिक्कत देखने को मिली, बहुत अच्छे ग्राफिक्स में बहुत अच्छा गेम प्ले चल रहा था। हाँ फोन थोड़ा हीट हो रहा था क्योंकि गेम अभी भी थोड़ा ऑप्टिमाइज होना बाकी है, लो एंड डिवाइसेस के लिए तो अभी इन्हें बहुत ज्यादा ऑप्टिमाइज करने की जरूरत है उस गेम को, क्योंकि इनका कोई प्लानिंग तो थी नहीं कि ये लोग मीडिया लो एंड डिवाइसेस पर आएंगे, पहले इन्होंने हाई एंड डिवाइसेस को ही टारगेट कर रखा था। तुम ही देखो ना, तुम किसी भी यूट्यूबर्स को जाकर देखो जो आईफोन में गेम खेल रहा हो या फिर S23 या S24 Ultra जैसे मोबाइल पर गेम, तुम उसका गेम प्ले देखना कितना स्मूथली चल रहा होगा, वही तुम्हारे फोन में दिक्कत आ रही है क्यों, तुम्हारा इतना हाई एंड डिवाइस नहीं है। एक्टिविजन भी लाइक कि हम पहले उन्हें गेम खेलने देंगे जो हमारे स्टोर पर आकर खरीदारी कर सके, यानी अमीर बालक। तो अगर कोई यूट्यूबर ने भी क्लियरली बोल रखा है कि रेंडरिंग का इशू आ रहा है बहुत सारे लोगों को क्योंकि सर्वर फुल हो चुके हैं, तो जल्दी अपने सर्वर्स को फिक्स करेगा और इस इशू को सॉल्व करेगा, गेम को ऑप्टिमाइज करेगा और फिर ये गेम प्लेबल हो जाएगा। इस वीडियो को यही खत्म करते हैं क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी जा रही है और अगर मैं बोलूं तो ये वीडियो 10-15 मिनट भी क्रॉस कर जाएगी, पता नहीं चलेगा। बाकी तुम्हारे स्क्रीन पर एक वीडियो आ रही है जिसमें
मैंने सीओडी मोबाइल के बारे में बात की हुई है। अगर चाहो तो तुम उस वीडियो को देख सकते हो। मैं मिलूंगा तुमसे उसी वीडियो में, तब तक लेटा टाटा बाय बाय सायो नारा।